लॉकडाउन के तीसरे चरण में बुधवार को भी महानगर में चहल पहल दिखी। इस दौरान नौसड़ चौराहे पर अन्य जिलों से शहर में आ रही बाहरी गाड़ियों का नंबर नोट किया गया और अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिकों और यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका नाम पता नोट करने के बाद ही जाने दिया गया। इस संबंध में SPCT ने बताया कि शासन द्वारा जो भी निर्देश है उसका पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है और जो लोग अनावश्यक शहर में निकल रहे हैं ऐसे लोग अपना और अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल रहे हैं और वो अनावश्यक निकलेंगे तो कानूनी कार्रवाई के पात्र बनेंगे। इसलिए अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। आपके सहयोग के बिना हम कोरोना से लड़ाई नहीं जीत सकते हैं और जहां कहीं भी अनावश्यक बिना पार्किंग के गाड़ियों को खड़ा पाया जा रहा है जिससे सामाजिक दूरी नहीं बन पा रही है ऐसी जगहों पर स्थानीय पुलिस द्वारा और यातायात पुलिस द्वारा गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT डॉक्टर कौस्तुब ने कहा और इसे अच्छा सा पालन करना नहीं। लॉकडाउन को लेके प्रशासन द्वारा जो भी नियम दिए गए हैं और कप्तान साहब के जो भी निर्देश है उसके अनुपालन में इसका बार बार एनफोर्समेंट कराया जा रहा है। नहीं, अनावश्यक रूप से अगर निकलेंगे तो अपने सेहत के साथ अपने परिवार के सेहत के साथ भी आप समझौता कर रहे हैं और दूसरा कानूनी वैधानिक कार्रवाई के पात्र भी बन सकते हैं। अतः अनावश्यक रूप से ना निकलें, आपके सहयोग के बिना कोरोना से जीत मुश्किल है। जहाँ पे भी इस प्रकार के अनावश्यक रूप से बाहर निकली गाड़ियाँ मिलेंगी और पार्किंग हटा के कहीं और खड़ी कर रहे हैं जिससे सामाजिक दूरी बाधित हो रही होगी तो वहाँ पे भी उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार स्थानीय पुलिस द्वारा और ट्रैफिक की टीम द्वारा लगातार की जाएगी।